राजस्थान सोलर एसोसिएशन की तरफ से सोलर इंडस्ट्री में फ्यूचर को देखते हुए और कुसुम योजना के प्रति अवेयरनेस जगाने के लिए एक बहुत ही बड़ा आयोजन किया गया। 3 दिन तक ये एक्सपो चला, जिसके अंदर बाहर से आए हुए विजिटर्स ने समस्याओं से भी अपनी अवगत कराया और इसी के साथ साथ किस तरीके से उनका समाधान किया जा सकता है उसके लिए सुझाव भी दिए। और यहाँ पर जो चीफ गेस्ट रहे एनर्जी मिनिस्टर, उन्होंने भी अपने इनपुट्स दिए और सारी समस्याओं को ध्यान से सुना। आइए आपको दिखाते हैं किस तरीके से इस एक्सपो का आयोजन हुआ, क्या क्या कहा हमारे एनर्जी मिनिस्टर ने और किस तरीके से लोगों ने, बाहर से आए हुए लोगों ने अपनी समस्याओं को साझा किया संवाद के साथ। देखिए, छत्तीसगढ़ में हमारे पास एक कोयले के 3 ब्लॉक हैं। एक ब्लॉक हमें मिला है, पिछले दिनों हमारे मुख्यमंत्री जी और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री जी ने आपस में बातचीत करी, कॉल मिनिस्टर से भी हम दिल्ली में जाकर के मुख्यमंत्री जी के साथ मिले थे और एनर्जी मिनिस्टर से मिले थे और हमें एक ब्लॉक के कुछ हेक्टर लगभग बाद में 46 हेक्टर मिली और 80 हेक्टर जमीन हमें मिली है। उसके बाद और ज़मीन की ज़रूरत है और 2 ब्लॉक और जो हमें अभी नहीं मिले हैं उनमें भी हम प्रयास कर रहे हैं कि वो भी हमें मिल जाए, तो राजस्थान को अभी जो कोल मिल रहा है वो अपनी कैप्टिव माइन से लगभग 9 रेक मिल रहा है। अगर वो दोनों ब्लॉक और मिल जाते हैं तो हमें 18 रेक रोजाना मिलने लग जाएगी। 18 रेक का मिलने से हमें जो अभी अतिरिक्त 40% महंगा कोल हमें अभी जो हमारी उत्पादन की हमारी पूरी क्षमता नहीं होने से हमें एक्स्ट्रा पैसा कोल इंडिया को देना पड़ रहा है, जो उनकी शर्तें हैं वो नहीं देना पड़ेगा तो राजस्थान के उपभोक्ताओं को फायदा होगा। इसमें लगातार हम प्रयास कर रहे हैं और छोटी मोटी जो एक सुनवाई है वहाँ वो होनी है, उसके बाद संभावना है कि निकट में हमें वो कोल ब्लॉक मिल जाएंगे तो राजस्थान में कोल के उत्पादन में हम अधिक ऐसा लग रहा है कमी तो नहीं है लेकिन हमें ज़्यादा दामों पर खरीदना पड़ रहा है, उसमें कमी आएगी तो हमारे उपभोक्ताओं पर जो एक्स्ट्रा पैसा दे करके जो सरचार्ज लग जाता है मुक्ति मिलेगी। देखिए, हम पहले ही बजट से पहले हमारी सरकार ने तैयारी कर ली थी। आपको पता है हम 1,60,000 करोड़ के MOU कर चुके हैं केंद्रीय उपक्रमों के साथ, जिसमें हमारे उत्पादन भी होगा, जिसमें हमारी ट्रांसमिशन की नई प्रसारण की लाइनें भी डलेगी, नए GHS भी बनेंगे और इसके साथ साथ हमने 64,000 करोड़ का एक 3200 मेगावाट का हमारा हमारा थर्मल और 8000 मेगावाट का सोलर का एक बिड निकाली है, उसमें भी आएगा। तो इस तरह से करीबन 225 लाख करोड़ के हमारे मतलब बड़े एक इन्वेस्टमेंट का हमने रास्ता साफ किया है, जिससे 32000 मेगावाट की हमारी उत्पादन की यहाँ इकाइयाँ लग सकेंगी और इसमें आने वाले हमारे 10 से 15 साल की हमारी जो आवश्यकता है उसकी पूर्ति होगी इसके माध्यम से। और हम आगे भी प्रयास कर रहे हैं कि एग्रीकल्चर के क्षेत्र में भी हम आगे बढ़ें और हमारा जो कुसुम सी प्रोजेक्ट है वो और आगे, हम अभी नए टेंडर निकाले हुए हैं उनकी भी निविदा आने के बाद फाइनल करके और उनको भी फाइनल करने वाले हैं। करीबन 3,385 मेगावाट के हमने अवार्ड कर दिए हैं और आगे आने वाले 4,000 मेगावाट की और संभावनाएँ हैं और टेंडर निकलेंगे लगातार। इसके साथ साथ हमने 10,000 करोड़ का पूरे एग्रीकल्चर के लिए सस्टेन करने के लिए एक कुसुम RDSS योजना में एक और कैसे फीडरों को हम अलग करें, एग्रीकल्चर फीडर अलग हो जाए, हमारे ग्रामीण फीडर अलग हो जाए, वहाँ के GSS की हमारे नए GSS उनकी डिमांड पूरी हो जाए, उनका अपग्रेडेशन हो जाए, इसके लिए 10,000 करोड़ का एक प्रोजेक्ट बनाकर केंद्र को भेज रहे हैं हम RDSS में, जिसमें 40-60 का रेशो होता है, 60% केंद्र से मिलता है, 40% हमें लगाना होता है, तो वो भी होगा। इसलिए बिजली के क्षेत्र में बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट आने वाले समय में आने वाला है, जिसकी बड़ी संभावना है और हमारे आवश्यकताओं को पूर्ति करने के लिए बहुत जरूरी है। हम उनको चाहते हैं, मैंने अधिकारियों को कहा है कि इस PM सूर्य घर योजना है, इसका ऐसा मॉडल तैयार करें हमारे जो पंजीकृत उपभोक्ता हैं जिनको हम 100 यूनिट फ्री दे रहे हैं उनको इससे जोड़ा जाए और उनका जो इससे जुड़ने के बाद हम और क्या इसमें नया कर सकते हैं, सरकार राजस्थान की सरकार उसकी भी मैंने संभावना तलाशने के लिए कहा है और जो नए रजिस्ट्रेशन जिनके नहीं हो पा रहे हैं उनको भी हम इस PM सूर्य
घर योजना से जोड़ करके और उनको भी फ्री बिजली मिल जाए, इसकी संभावनाएं तलाश रहे हैं। इसमें बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट आएगा और हर घर हम अगर ये हमारा मुहिम चला रहे हैं, हर हम एक पैनल लग जाए और वहां से हमें बिजली मिलने लग जाए तो ये राजस्थान एक सिरमौर बने एक्से ऊर्जा का, इसका रिन्यूएबल एनर्जी का, इसकी बहुत बड़ी संभावना है जो हम इस 5 साल में इसको बना कर करेंगे। तो आरएसए ने और सरकार ने ये कदम तो उठाया है कि सोलर से जुड़ी हुई कोई भी जैसी समस्याएं हैं उसके लिए समिट आयोजन करना, यहाँ पर दूर दूर से लोग आए हुए हैं। मैं जानना चाहूँगी कि सोलर और कुसुम योजना से बेसिकली जब ये समिट आयोजन किया गया तो कौन कौन सी ऐसी समस्याएं हैं जो धरातल पर लोगों को दिखाई देती हैं। आप फलौदी से आए हैं? हाँ, मैं डिस्ट्रिक्ट फलौदी है, तहसील बाप पड़ता है और मैं उस क्षेत्र से आता हूँ जो सोलर को लेकर के पूरे विश्व में एक नंबर पर आता है। बड़ला एशिया का सबसे बड़ा सोलर पार्क है हमारा बड़ला बाप में पड़ता है। मैं बाप तहसील का नागरिक हूँ और हम वैसे तो इससे 14-15 साल से सोलर से जुड़े हुए भी हैं क्योंकि हमारे क्षेत्र में इसका काम बहुत ज़्यादा लंबे अरसे से चल रहा है। अभी जो सरकार की ये कुसुम सी स्कीम के तहत हमारे भी हम किसान हैं और उसमें वीड में हम शामिल हुए इस स्कीम में और हमारे भी टेंडर आए हैं और प्लांट खुले हैं, उसको लेकर के ये जो लोकल राजस्थान एसोसिएशन सोलर एसोसिएशन की तरफ से जो ये कार्यक्रम 3 मिनट चला उसमें हम आज शामिल हुए। इसका क्या फ़ायदा आपको मिला कि आपकी समस्याएं सुनी गई यहाँ पर, या फिर कौन सा फ़ायदा? फ़ायदा यही मिला कि एक जगह सब एक तो एक कंपनियों को देखने का अवसर मिला, दूसरा एक भाई एनर्जी मिनिस्टर से जो हमें जो सामने संवाद करने का अवसर मिला, यह आदरणीय मंत्री जी का बहुत बहुत आभार है कि हमें कम से कम सुना। लेकिन हमारी वहाँ मौके में समस्या ये आ रही है मैडम कि जो प्लाट खुल गए अभी हम लगाएंगे भी क्योंकि धीरे धीरे काम तो शुरू होगा भी, लगना भी तय है, लेकिन डर हमें ये सता रहा है कि जो सिस्टम है उसको काफ़ी बदलना ज़रूरी है क्योंकि जब बिजली पैदा हो जाएगी लेकिन पैदा होने के बाद में उसकी जो सप्लाई है उसको सप्लाई चलाने के लिए पूरी लाइनिंग जो पीछे से बिजली भी वहाँ 24 घंटे रहनी ज़रूरी है। पैदा तो हम बिजली करेंगे लेकिन 23 kV हम जोड़ेंगे भी लेकिन पीछे से वहाँ सप्लाई आनी और रहनी ज़रूरी है, तब हमारी बिजली जो पैदा की हुई वहाँ चलेगी। अगर पीछे से बिजली कट गई तो ये चलेगी नहीं, प्लांट बंद हो जाएंगे, तो ये डर सता रहा है। इसलिए हम मनीष साहब को हमने कहा था कि 33, 132 kV के 220 kV के ऐसे सभी स्टेशन आप बनाएं ताकि किसानों को राहत मिले। दूसरी छोटी छोटी समस्या है जो लाइनिंग की है कि प्लांट से पैदा करके जीसेस तक ले जाएंगे, ज़मीन की है जो छोटे छोटे बैंकों की अड़चने आ रही है, अभी तक जो बैंक वाले भी है लोनिंग तो देने की बात कर रहे हैं लेकिन उनके नियम हैं थोड़ी वो थोड़े किसानों के लिए वो मेल नहीं खा रहे हैं, थोड़े आ रही, तो ऐसी कई समस्या हम आपके माध्यम से भी सरकार तक पहुंचाना चाहते हैं। देखिए, योजना बनाना और उन्हें धरातल पर लाना ये दोनों बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट है। एक बार योजना बनने के बाद जब वो धरातल पर आती है उसके बाद जो समस्याएं आती हैं उनका समाधान भी सरकार को ही खोजना होगा। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपने जो समस्या पहुँचाई है सरकार तक वो उन तक भी पहुँचे, उन्होंने जो भी ईमेल एड्रेस वगैरह दिए हैं आप उन पर भी ट्राई कीजिए और तमाम सारी समस्याओं का समाधान सरकार की तरफ से किया जाएगा। क्योंकि राजस्थान में जो सोलर की संभावना देखी जा रही है, जिस तरह से हमारे एनर्जी मिनिस्टर ने खुद बताया कि अपार संभावनाएं हैं, तो आप उन संभावनाओं को किस तरह से देखते हैं? बिल्कुल, हमें आशा भी है सरकार से भी, आदरणीय मंत्री महोदय जी से भी, क्योंकि पिछले दिनों मंत्री जी का एक बहुत बड़ा लंबा प्रवास रहा है कि पश्चिमी राजस्थान में। मंत्री जी ने आज भी कहा है कि सोलर को लेकर के बहुत ज़्यादा है जो हमें संभावना भी है और वहाँ काम चल रहा भी है, विंड का भी है लेकिन सोलर का बहुत ज़्यादा है। जो फलौदी जिला, जोधपुर जिला, जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, इन 5 जिलों के अंदर बहुत ज़्यादा सोलर के प्लांट्स लगे हैं, तो उसको लेकर के हमें जो इसमें जो अभी जो किया है 5 सालों तक काम ठप था, ये कोई तरह की कोई काम आगे नहीं बढ़ा था। अभी मंत्री जी ने जिस तरह से विजिट की है और वहाँ के मौका स्थिति देखी है, मुझे भी वहाँ साथ रहने का अवसर मिला था, तो हमें आशा है कि ये मंत्री जी बहुत ऊर्जावान है और ऊर्जा के मिनिस्टर है तो ज़रूर कुछ न कुछ इसमें राहत देंगे और जो समस्या आई है किसानों की हो चाहे डेवलपमेंट की हो तो उसमें समाधान कराने का भी हमें आशा है कि करेंगे ज़रूर। ये बात जो कुसुम के सोलर आए हैं इसमें क्या किया है कि सरकार ने तो दे दिया तो जो किसानों ने भरा तो उन्होंने भर दिया 3.5 रुपया, उनसे ऊपर कंपनी ऊपर पड़ के 3 रुपया में ले लिया, तो किसान को क्या बेनिफिट मिला? किसान ने बैक साइड में छोड़ दिया, तो बात उनकी समस्या है। ये कंपनी है ना छोटी छोटी किसान के ऊपर पड़ के ले लेती है, तो बाद में किसान से तो लेता नहीं है, ये बात है।
तो देखा आपने, सुना आपने कि एनर्जी मिनिस्टर खुद भी कितने ऊर्जावान हैं और सभी को उम्मीद है कि वो कहीं ना कहीं इस सोलर इंडस्ट्री को लेकर बहुत ज़्यादा जागरूक हैं और जिस तरीके से फ्यूचर के लिए उन्होंने अपने प्लान्स बताए, लोगों ने अपनी समस्याएं उनको सुनाई, तो उन्होंने आश्वासन भी दिया इसी के साथ साथ कि वो किस तरीके से इनकी समस्याओं का समाधान करेंगे। और यहाँ पर आए सभी विजिटर्स का ये कहना है कि इस तरह के एक्सपो का आयोजन होता रहे जिससे सोलर के अंदर आने वाली जितनी भी समस्याएँ हैं उनको समाधान की तरफ ले जाया जा सके, और इस तरह के आयोजनों के लोगों ने सराहना भी। Stay tuned with Rajasthan Samvad. I will be the vibrant spokesperson bringing your message to life. Hello and welcome to my gig. I can be your first go-to spokesperson for all kind of promotional videos and I'm thrilled to be your voice. I can be your storyteller or your brand face that brings your message to life. With a background in acting and modeling, I can play different roles or take up any character that syncs with your requirement and bring authenticity to your video. From script writing to shooting in a natural background or on green screen, from premium edits to timely delivery, I am here to help you out in everything. My video characters can connect with your audience and instantly to convey your messages effectively and to leave a lasting impression. So do not wait anymore, order now and reach out to me on Fiverr and feel free to ask anything before ordering. Thank you.